हाय शुभम, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए शॉर्ट नोटिस पे, एंड यू चलिए वेटेड फॉर यू नो एवरीवन। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस यार, अगेन कमिंग बैक टू पटना थैंक यू पायरेट। अगेन यू नो द हार्ट इज विद बंगाल इतना सीजन, बट यू नो इट इज द गेम, सो यू आर बैक विद द सेम टीम। सो सबसे पहले तो 70 लाख की बिड, वन ऑफ द टॉपेस्ट बिड फॉर अ राइट कॉर्नर डिफेंडर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और अगेन कमबैक हो रहा है सीजन 8 के बाद में वापस से पटना पायरेट्स में। सो हाउ इट इज, कैसा लग रहा है पटना पायरेट्स? अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले भी खेल चुके हैं ना। कुछ बदला है कि सबकी सब सब सबका सब वैसा का वैसा ही है? ओके नहीं बदला है ना, बहुत बदला। वो है ना गोलमाल मूवी का डायलॉग है ना कि कुछ नहीं बदला यार, सबका सब वैसा ही है। बट आई थिंक डेफिनेटली टीम चेंजेस, बॉन्डिंग चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस। सो कंग्रेचुलेशंस सबसे पहले तो, थैंक एंड आई एम श्योर जित सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग पटना पायरेट्स की टीम की है, एंड बीइंग 3 टाइम्स चैंपियंस, सो एक अलग लेवल ऑफ है, एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट। सो यू ब्रिंग योर ओन एक्सपीरियंस एज अ डिफेंडर, सो द होल टीम इज सेट। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यंग टीम है तो क्या, हमने भी बहुत प्रैक्टिस किया है, हार्ड वर्क किया है, तो हमारा कॉम्बिनेशन भी अच्छा बैठ गया है। तो अच्छा, वीडियो देखा है मैंने। तो क्या पिछले सीजन गलती हुआ है, तो इस सीजन क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा फोकस भी किया है। तो वीडियो एज इन शुभम, ये क्या सिनेरियो रहता है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑडियंस को कि यू पर्सनली सीधा वीडियो की एनालिस्ट साथ में आते हैं, एंड किस किस तरीके से आप देखते हो, क्या ऑब्जर्वेशन रहती है? थोड़ा ना ये साइड प्लेयर का पता नहीं है, बिकॉज जनरली हम सब तो टीवी पे देखते हैं, मैच खत्म हुआ, दो टीम हाथ मिले एंड वो चले गए, फिर सीधा अगली बार टीवी पे, बट एग्जैक्टली वो वीडियो वाला सिनेरियो कैसा होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, जब फ्री टाइम मिलता है ना तो खुद का वीडियो देखता है यूट्यूब पे। तो हमारा टीम का वीडियो सेशन भी होता है और उसमें देखते हैं क्या गलती है, क्या गलती में सुधारना करना है। तो वीडियो देख के थोड़ा पता चलता है कि गलतियों के ऊपर थोड़ा सुधारना करना है। तो वीडियो देखना भी ज़रूरी है खुद का। जैंग कुनली यू नो बीच में अचानक से गायब थे, एक अलग ही लिंक है जैंग कुनली और शुभम शिंदे में भी, एक लिंक है कि दोनों बंगाल में भी खेल चुके हैं एक टाइम पे, पटना में वापस से भी आए हैं। सो हाउ इज दैट पर्सन, बिकॉज हम सबको पता है कि वो बंदे को हमने देखा है, लेकिन कुछ टाइम वो बीच में नहीं था। सो अभी क्या लगता है, कैसा प्लेयर है वो एज अ प्लेयर, हाउ डू यू थिंक, हाउ इज ही एग्जैक्टली? सीनियर प्लेयर है तो अच्छा ही है, तो प्रैक्टिस भी अच्छा करता है। मतलब पहले सीजन में खेल चुका था वैसा ही है वो अभी भी। और मतलब जब पहले सीजन बंगाल में खेला था और पटना में भी खेला था तो उस टाइम भी अच्छा किया था, तो ये साल भी अच्छा ही करेगा। शुभम, आदित्य सामने दिखने वाला है। अपना भाई सामने हाँ की टीम में, आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, आदित्य के सामने भी आपने बहुत बार खेला है अपने यहाँ के मैचेस में भी डेफिनेटली, बट प्रो कबड्डी में उसने डेब्यू आपके साथ किया था। नाउ दोनों भाई सामने सामने की टीम में रहेंगे, तो उस चीज पे दोनों का कुछ डिस्कशन हुआ है? डिस्कशन तो नहीं है क्योंकि जब ग्राउंड में आते हैं तो कोई भाई भी नहीं है, भाई ग्राउंड के बाहर ही भाई है, तो ग्राउंड ओके में प्लेयर ही प्लेयर है। तो बेसिकली अपोनेंट ही है आदित्य अगर सामने की टीम से खेल रहा बिल्कुल बिल्कुल। है, एंड ऑफ टाइम कुछ आदित्य का गाइडेंस वाइडेंस सब सॉर्टेड है कि इस बार उसका भाई नहीं है ना उसके साथ में टीम में? नहीं, ऐसा कोई नहीं। नहीं, ओके अभी हमारा रिसेंटली बंगाल के साथ में भी इंटरव्यू लाइंड अप था, तो तभी आदित्य से भी सेम चीज पूछी थी। मेरे को बताइए शुभम, अगर एवरी सीजन न्यू NYPs वगैरह आते हैं, यू नो न्यू यंग प्लेयर्स के साथ में हम खेलते हैं, एक्सपीरियंस के साथ में खेलते हैं, इस सीजन ऐसे कौन से NYPs है जो आपको लगता है कि पटना के लिए आने वाले टाइम में स्टार बन जाएगा? NYP तो पूरी यंग ही टीम है। NYP मतलब जो बोलते हैं ना, लीग में सारे यंग टीम लेके खेलते हैं, तो हमारी टीम भी यंग प्लेयर के साथ खेल रही है। हाँ, एक आयन लोचप करके लड़का है, रेडर है, वो मेरे को लगता है वो NYP है। मेरे को लगता है वो ये साल में स्टार बन जाएगा। शुभम
अभी एक छोटा सा सेगमेंट राउंड है जिसमें आपको मैं वन ऑन वन क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू हैव टू जस्ट आंसर आपके माइंड में कैसा आएगा। 12 की 12 टीम है, 12 की 12 टीम वी ऑल नो खतरनाक है, सबने एक बैलेंस टीम बनाई है, बट स्टिल आपको क्या लगता है पटना पायरेट्स के अलावा टॉप 6 टीम आप मुझे बता सकते हो इंक्लूडिंग पटना की क्वालिफिकेशन में? आपको क्या लगता है कि इसके चांसेस ज्यादा है? चांसेस तो बता नहीं सकते सर, क्योंकि मैच में थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है ना, तो टॉप 6 अभी मालूम नहीं पड़ेगा, वो 10-15 मैच के बाद ही पता चलेगा। चलो ऐसी टॉप 3 टीम बता दो कि आपको फेस करने में मजा आएगा पर्सनली सामने। पटना छोड़ के, पटना पकड़ के, पुणे पटना छोड़ के, पटना छोड़ के। रिवोल्टन है, हरियाणा है, और तीसरी टीम पता नहीं, कोई भी आ सकता है तीसरे में। कोई स्पेसिफिक रीजन वाई पुनेरी वाई हरियाणा? क्योंकि अच्छी टीम है दोनों भी, तो बैलेंस टीम है, तो थोड़ा आ सकती है। पिछले सीजन के फाइनलिस्ट भी है। ओके हाँ सो दैट वाज अ ग्रेट सेगमेंट, थैंक यू शुभम फॉर टेकिंग आवर टाइम, दिस वाज यस, इट एंड ग्रो कबड्डी की तरफ से आपको इस सीजन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ऑलरेडी यू आर डूइंग ग्रेट, अच्छा यस बस मैच पे अपना जलवा दिखाते रहो एंड बिल्कुल, हम आपको मिलेंगे जरूर इस सीजन में भी हैदराबाद पुणे लेग में आई एम श्योर। ठीक है, ऑल द थैंक बेस्ट यू। फॉर द सीजन।